सो अभी क्या है, लाइट गई हुई है। तकरीबन 1 घंटा होने को है, लाइट नहीं है। 2 घंटे पूरे होने वाले हैं, तो देखें कब आती है। फिर सारी की तैयारी करनी है इंशाल्लाह। यहाँ तक मोबाइल की रोशनी है, बाकी उधर अंधेरा है रूम में, तो फिर सारी की तैयारी होगी इंशाल्लाह। तब ढूंढने लगी हूँ मैं आटा और आई हूँ मैं बाहर। जरा सी सर्दी थी, मैंने ले लिया दुपट्टा और जी आटा गूंद के फिर रोटी भी बनानी है, तो वो अभी तो बजा है 1, तो तब तक फ्रिज में रख देंगे आटा, फिर वो ज़रा मैरिनेट भी हो जाएगा। तो चले मैं अब गूंदती हूँ आटा। तो आटा हमने निकाल लिया है और अब इसमें मैं डालूंगी, बस इतना ऐसे ही चलेगा। तो ये जो रिंग मैंने डाली हुई है ये भी उतार दूंगी, नहीं तो वो फिर ना इसमें आटा चला जाएगा। पानी मैंने जग में डाल लिया है, तो अब मैं आटा गूंथ। रूम में आ चुके हैं हम। बाहर मुझे लग रहा था डर, क्योंकि अंधेरी वगैरह बहुत चल रही थी, बहुत तेज। मैं जब भी आटा गूंदती हूँ ना, तो गाइस मैं ना ऑयल और नमक डालती हूँ, तो ऑयल मैं लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि आटा बहुत ही मज़े का हो जाता है ऑयल डालने के बाद। अच्छे से पेड़े भी बन जाते हैं और मुझे बड़ा मज़ा आता है ऑयल के बाद मुखिया देने को आटे को तो बड़ा मज़ा आता है फिर गाइस। अपने घर में कर रही थी, मैं अपने घर में कर रही थी सारी, तो तो इफ्तार सारी हमारा। डिटेल हम आपको बीच में शेयर कर रहे हैं व्लॉगिंग में। आटा हमारा हो चुका है, ये मैं दे रही हूँ मुखिया, और आपने मुखिया जब देनी है आटे को तो उस पर्सन को याद कर देना है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, फिर आपकी मुखिया देनी आसान हो जाएंगी। तो देख सकते हैं हमारा आटा हो गया कम्प्लीटली। एक हाथ से हम मुखिया दे रहे हैं, क्योंकि एक हाथ से मोबाइल हैंडल करना था, तो मुखियाँ देना आसान हो जाता है जब आप जिस पे गुस्सा हो उसको याद कर लें। तो आटा हो चुका है कम्प्लीटली, आटा हो चुका है हमारा तैयार, और इसको रख रही हूँ फ्रिज में। और जी रात मैंने धो दी है साथ ही के मैरिनेट हो गया, अब ये फ्रिज में जाएगा। और गाइस मैंने परात धो दी है, तो बाकी सामान भी उठाऊंगा उधर से जो है मैंने रखा था रूम में। मैं लेने जा रही हूँ चने और फिर आऊंगी आके बनाऊंगी पराठा। इधर से ढूंढ रही हूँ दुपट्टा जो लेके जाऊँ, वाइट चमक रही है बिजली, ये भी मैं सुबह उठाऊंगी और वो ऊपर रखना है। मेरी मदर का मुझे मिल गया है दुपट्टा, मोस्टली मैं लेती हूँ ब्लैक कलर का ही दुपट्टा, बाहर जाना होता है और वो दुपट्टा सर पे टिका रहता है। अभी मैंने ले लिया है अपनी मम्मा का दुपट्टा, तो मैं जा रही हूँ चने लेने। रात के बज गए हैं 2:30, फिर आके बनाएंगे परांठा तो खाएंगे मिल के सब। अनिला भी अपने घर अफ्तार कर रही है, जो वो करेगी वो भी रूटीन में आपके साथ शेयर करती रहूँगी साथ साथ, और जो हम साथ मिल के ही करेंगे वो भी इंशाल्लाह। उधर से लेने हैं चने, और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है ये देख सकते हैं आप, मौसम अभी भी बहुत सर्द है, तो चने लेके घर जाते हैं। तो मैंने इधर पेड़े कर दिए हैं और मैं इधर बनाऊंगी अब परांठे। तो ये मेरा है वो, इसको क्या कहते हैं, पेड़े हो चुके हैं, परांठे बना के मिलते हैं जी। अब चकना बेलना याद आ गया, और ये है तवा, वो इधर बल वाला परांठा, और ये भी आएगा अब इस पर। थोड़ा सा हमें डालना है ऑयल के अलावा, थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, देन थोड़ा सा डालेंगे नमक, इससे करेंगे हम ऐसे। बल वाला परांठा फिर इसको करेंगे इस तरह कर। तो
तो ये देखें पेड़ा बनके हो गया है तैयार। ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे परांठा, इसमें लगाएंगे इस तरह। तो मैंने डाल दिया इधर, रोटी को परांठा बनाने के लिए तैयार है। और अम्मी का भी बना रही हूँ मैं, और अम्मी के लिए बनानी है सादी रोटी। उन्होंने कहा मेरे लिए सादी रोटी चाहिए, और ये देखिए बच चुका है ऑलमोस्ट। अब इसको हम पलटेंगे। मेरा हो गया फाइनली परांठा रेडी टू स्टडी को, और अम्मी का मैंने रख दिया है इधर। रोटी डाल दी है इधर अम्मी की मैंने पकने के लिए, पानी पक रहा है, फिर चाय रखेंगे हम लोग। चाय मैंने रख दिया, मैं खाना लेके जा रही हूँ, और अब मैं खाऊंगी और फिर मज़े से खा के इंजॉय करेंगे। थर्ड सैरी स्टार्ट हो चुकी है, तो गाइज आप भी बताया करें क्या क्या करते हैं सैरी में, क्या क्या बनाते हैं कमर सेक्शन में। इस टाइम हो रही है बहुत ज़्यादा रेन, मम्मी आप क्या कर रही हैं? मैं गीली जगह पे बैठ गई, सारी गीली हो गई मम्मा, वहाँ सारी गली हो गई नीचे से। टाइम हो रही है यहाँ पे क्लीनिंग फ्रिज की बहुत ज़्यादा, मम्मी कर रही है मेरी सहरी से पहले। मेरी मम्मी को नींद ना आए तो फिर वो कई भी काम जो है ना निकाल लेती हैं, और ये थोड़े से बर्तन थे दूध वगैरह के, और थोड़े से वो थे वो भी उन्होंने वॉश कर लिए हैं। बहुत सर्दी में काम करी, इनको मैंने कहा भी आप लेट से बैठ जाएँ, सहरी के बाद सारा काम होता रहेगा, बट नहीं। तो क्या हुआ, मैं सो के उठी थी, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने शूट करना है, खा पी लिया, उसके बाद याद आया कि सहरी का भी लोग तो बनाया ही नहीं। सो गाइस हमने ये खाया था, पराठा था, चने थे घर के बने हुए, दही था, और साथ में दाल थी घर की बनी हुई। तो ये सिंपल सी सहरी थी, और साथ में पानी भी पिया। और आज माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा रोज़ा हो चुका है। मैं बता रही हूँ ये कोली को ना मेरी अपी ने साफ़ किया, इतने क्लीनिंग वाली जो है ना चाटम पाटम करती है मेरी अपी। तो माशाल्लाह से तीसरी सहरी जो है हो चुकी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तीसरा रोज़ा रख लिया था। उसके बाद मैं सो गई, फिर सुबह उठी और सैलून की तैयारी की। अभी के लिए निकल रही हूँ मैं सैलून के लिए, तो वो मैंने गाउन पहनना है, और ये मेरा बैग है, इसकी जिप लगानी, मोबाइल रख के। अल्लाह राजी रखे, अल्लाह खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, खुशियां देवे रब राज, तंदुरुस्ती भी देवे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब ही मोहम्मद अलैहि वसहबहि वसल्लम। हीरा पढ़ रही है नमाज, हम सैलून आ चुके हैं, और मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे कुरान पाक। जी तो गाइस नमाज पढ़ ली है, और अब आना है घर में वर्क करने, थोड़ा काम करवा रहे, तो मैंने सोचा काम करवा लूँ। तो मैंने सोचा घर में थोड़ा सा काम करवा लूँ, लाइटिंग वगैरह का थोड़ा इशू था तो काफ़ी ख़राब हो गई थी, अब वो सीलिंग वगैरह की लाइट ठीक करवानी है, तो उनका ही वेट कर रहा है। सीढ़ी लेने जा रहे हैं, तो मैं सीढ़ी लेने जा रही थी, और मुझे नज़र आया मौसम बहुत अच्छा, मैंने उसका भी शूट ले लिया, तो बहरहाल सीढ़ी मिली नहीं, तो फिर मुझे खाली हाथ ही आना आज पड़ा। फिर किसी धूप लगी थी, अभी बादल देखे शाम में, बादल हो गए थे। फिर जब भाई तो वर्कर बाहर खड़ा था हमारे घर के, तो मम्मा कहती तुम कहाँ गई थी, मैंने मैं सीढ़ी लेने गई नहीं मिली, तो ये देखे उसने आके सीलिंग के छीट पार कर दिया, तो सीलिंग निकाल के वो इधर बैठा, और इधर होल्ड करके उन्होंने इधर रख दिए हैं, और वर्कर काम अच्छा करता है ये, तो तभी हर बार आपको हमारी वीडियो में यही नज़र आएगा। तो इन्होंने अपना जो है ना, तो कहते मैं ना नमाज पढ़ के आता हूँ। जी तो गाइस काम करने वो आ गए थे, तो काम करके वो चले ही नहीं गए, मसन जाना है उन्होंने, ये रख दिए जैसे ये इनका सामान है सीलिंग वगैरह का जो खड़ गए थे, और अभी वो देखे उधर से उन्होंने उठारी है। तो गाइस ये भी काम हो जाएगा, अभी नमाज़ पढ़ने के हैं, तो मैं भी चले जाके नमाज पढ़ूँ, फिर जो आगे नचते हैं लाइटें तो होती हैं करते हैं, इधर लगवाने से एक लाइट वो लगवाई है, एक वो लाइट लगवाई है उधर, और दो ऊपर लगवाई हैं लाइटें, रोशनी हो गई है अभी इसी तरह। तो इधर हमने रख दिया मच्छर पकने के लिए, काम हो रहा है रूम में।
इधर ऊपर आए थे, ऊपर जो है ना ये लाइट हमने कटवा दी है और मैंने बल्ब लगवा दिया, इधर इतना किचन यूज नहीं होता ऊपर वाला पोर्शन हमारा, तो फिर जो है ना हमने ये मीन्स के बल्ब ही लगवा दिए। तो यहाँ पर इनके ना छत के नीचे वाली साइड, सीढ़ियों के नीचे वाली साइड पे यहाँ पर मक्खियाँ नहीं होती, शायद की जाला लगा हुआ है। हीरा ने बनाया आज बहुत ही मज़ेदार मसर एंड चावल, तो मजा ही आ गया। मैं बशर पुत्र हो ये चलाया होया टांगे दी तरह होते। तो फाइनली इधर काम हो चुका है कंप्लीट, और गाइस आपने पंखे को करना है इग्नोर, क्योंकि इधर कभी गर्मी आती है सर्दी आती है, तो जब जाए पूरी तरह गर्मी आएगी उससे पहले मैं इसको सही तरह क्लीन करूँगी। और शुक्र है हमारा काम ख़त्म हुआ गाइस। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरा रोज़ा जो है कंप्लीट है और इफ्तार हम करने लगे हैं। या करवा रही है घर पर थोड़ा सा काम, तो बिजली का जो कि घर पर ज़रूरी भी था, और ये देखे मैंने अभी इधर तैयारी कर ली इफ्तार की, आज ये बाज़ार से मंगवाए हैं, ये भी मैं बना रही हूँ भी, चीनी डाली हुई है पानी में, ये खोलूँगी बाद में, ये खा के इसी प्लेट में खा लूँगी, एक ही प्लेट धोना नहीं पड़ेगी। काम चोरी के लिए ना हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। ये देखे टैंक में मैंने चीनी डाली हुई है, सादा पानी है इसमें, मैं टैंक डालती हूँ अभी, तो अभी मैं जाए नमाज कवर नहीं किया, अभी नमाज पढ़ लेनी है ये अफ्तार करके। सो पहले हम दोनों ये खाएंगे, हीरा ने अगर खाना हुआ ये तो वो खाएगी, फिर जी साथ जो है ना मसर चावल बन रहे हैं आज वो खाएंगे, हीरा की फेवरेट है तो इसीलिए ज़्यादा जो है ना बाइक का नहीं लेके आए। सो आज हम कर रहे हैं तीसरा रोज़ा अफ्तार। आप क्या कर रहे हैं, आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं, आप अपना सारा कुछ हमारे कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अफ्तार के बाद। चावल रेडी हो चुके हैं, बस तड़का लगाना है मसरों को। कड़ा पप्पा नहीं बने फर्स्ट टाइम, काफी देर बाद बनाए हैं मैंने। मसरों के लिए तड़का हो रहा है तैयार, तड़का जिंदगी में भी बहुत जरूरी होता है, और ये नीला की हरकत कच्चे चावल खाने की गई नहीं, बहुत मजेदार होते हैं, ये चीज गई नहीं थी, कच्चे चावल बहुत मजे करते हैं। मैंने इतने ज्यादा कच्चे चावल चावल में अपने पास रखती होती थी, जिंदगी का मतलब तड़के में है, और मैं खाती होती थी, मुझे सबने मना किया मुझे ऐसे खाने पड़ते जब कभी चावल बने ना, मैं फिर गुर्दों पे असर होता है इस चारों में, पता है कच्चे चावल होगा अब पक्के इतना असर कर जाने से कच्चे कितना करूँ, बट मुझे ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं। गाइस जिंदगी का मजा तड़के में है, तड़का ना ना हो लाइफ में तो लाइफ ही नहीं होती, मजा ही नहीं होता लाइफ का। हमने तड़के में भी रखा है, और ये हमारे मसर अंदर कुकर में जा रहे हैं। आपके भी हाजिर हो जाएंगे, अभी हम जा रहे हैं वॉक करने के लिए। ये नीचे क्यों गई है, स्लाइड नहीं आ रही। अच्छा तो हम जा रहे हैं वॉक करने और अंधेरों में, और मौसम दिखाओ बादलों में,
मौसम बहुत अच्छा हुआ यार। वो वाले कैमरे होने चाहिए जो इस तरह करें तो बैक हो जाए। वो किस मोबाइल के होते हैं? किसी मोबाइल के नहीं होता है। तो गाइस इस बार अंधेरे ही आ रहे हैं, थोड़े नीला अंधेरे ले रही है। मैं तो नहीं आ रही। आने देते हैं। हाँ अब भाई शक्कर तो हम जा रहे हैं भाई वॉक है, वॉक करने और आइसक्रीम खाने गाइस। और देखिए वेदर कितना अच्छा है, बहुत मजे का है। और अम्मा आ जाए आगे, हवा चल रही है। और ये देखे इधर नहर बनी हुई है, पानी खड़ा है, बारिश का बारिश। इसको कैसे तैरेंगे, बारिश हो रही है, इसको कैसे पार करेंगे हम। मैं जाती हूँ इसमें। जाओ शाबाश, आ जाओ ले आओ, हाथ दे दो। तो हम जा रहे हैं, तो ये देख सकते हैं आप कितना पानी तो यहाँ वेदर आप चेक करें और देखते हैं कौन सी आइसक्रीम नीरा खाती है। ब्लैक से रात के बज गए हैं 10 और हमने यही सोचा है तराबियों के बाद व्लॉगिंग और सॉरी वॉकिंग शुरू करनी है। वॉकिंग करनी है शुरू। पहुंच चुके हैं अपने राहे मंजिल पे, चलते चलते जा रहे हैं और सर्द हवा हमें बज रही है बहुत जोर के। लोन के कपड़े नहीं निकालने चाहिए थे। हाँ पता नहीं था कि फिर सर्दी आ जानी। हाँ तो गलती हो गई यार इस बार, जल्दी निकाल के कपड़े। आप देख सकते हैं इधर ऊंट है, ऊंट का बच्चा है, ऊंट की पूरी फैमिली खड़ी है। वो देखे ऊंटनी का बच्चा अपनी माँ से कितनी मोहब्बत कर रहा है। लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं सवीट कायम। इस प्लाजे से लेंगे नीला आइसक्रीम। अच्छा ये वाला है? हाँ जी। अंदर जाना पड़ेगा? इधर बाहर बैठ के खा सकते हैं। नहीं तो कपल लो भी। पैक करवाना है? ओके ओके। ये देखे गाइस आज ब्लॉपर हो रही है। ये पैक नहीं किया मैंने, ब्लॉपर हो रहे पैक करते हैं। अच्छा पैक करके देते हैं। हम आ चुके हैं और जा रहे हैं घर को। अनिला जा रही है आगे आगे, मम्मा भी मेरी, और लॉक ओपन करेंगे। तो आइसक्रीम बहुत मजे की थी गाइस, तो पता भी नहीं लगा कब पहुंच के वापस घर हम। अल्लाह का शुक्र है। क्या हुआ हीरा घर गई है चाय बनाने, तो गैस चली गई है। पता नहीं यहाँ पे 2-2 घंटे गैस आती, बाकी सारा दिन रात बंद होती है। तो ये जो है ना दूध अब जाएगा केटल में, केटल में चाय बनेगी, चाय रह गई है। तो अब जो है ना हम चाय पियेंगे केटल में बना के। मिलते हैं गाइस यस नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।